नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लॉजिक आरके पर। आज हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच नंबर तीसरे ODI मैच के बारे में। यहाँ पर देखिए वेन्यू की बात करें, पालखेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ये मैच होने वाला है, कैंडी में, श्रीलंका कैंडी। पिच बैटिंग पिच होने वाली है, स्पेसर और स्पिनर्स दोनों को यहाँ पर मदद मिलेगा। और यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करें तो 240 प्लस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है, बारिश की संभावना है, बारिश हो सकती है आज के मैच में, बारिश हो सकती है। आप यहाँ पर बारिश के हिसाब से आप टीम कॉम्बिनेशन बनाना है, और हम ये GL के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाने वाले। तो यहाँ पर देखिए विकेट वाले सेक्शन में एक ही प्लेयर लेना है, बैटिंग वाले सेक्शन में 4 प्लेयर्स, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में 3, और यहाँ पर बॉलिंग वाले सेक्शन में 3। तो हम एक ग्रैंड लीग के पर्पज़ से एक कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, हम दो टीमों का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। दो टीमें में मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों टीमों की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 और दोनों टीमों का लास्ट के 5 मैचों का मुकाबला यहाँ पर देख सकते हो। अफगानिस्तान ने खाली एक मैच विन किया हुआ है, 4 लॉस किया हुआ है, और यहाँ से श्रीलंका ने 4 मैच विन किए हुए हैं और एक लॉस किया हुआ है, सॉरी एबेंड हुआ है, नो रिजल्ट रहा है। चारों मैच विन करके आया हुआ है श्रीलंका, और ये तीनों ODI के फॉर्मेट में भी श्रीलंका ने 2 मैच विन किया हुआ है, ये लास्ट मैच है। तो ऐसे भी श्रीलंका ने ये मैच सीरीज को विन कर रखा हुआ है, ऐसे समझिए आप, क्योंकि ये मैच कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि श्रीलंका ने ऑलरेडी ये मैच विन कर लिया है सीरीज को। तो यहाँ पर देखिए दोनों टीमों में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो चेंजेस आपको लाइनअप से आने के बाद मालूम पड़ेगा, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलते जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आपने चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर दे, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि अभी 17 फरवरी से फिर से अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का T20I मैच शुरू होने वाला है। तीन मुकाबले उन T20 के भी है 17 फरवरी के बाद। तो आपको अपडेट मिलते रहेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाओ और बेल आइकन को प्रेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर देखिए विकेट वाले सेक्शन में एक ही प्लेयर लेना है, आप ये समझ जाओ एक कॉम्बिनेशन बनाना है। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम टीम बनाने वाले, दो टीमों का कॉम्बिनेशन होने वाला है GL के हिसाब से, ग्रैंड लीग के हिसाब से, खाली ग्रैंड लीग के पर्पज से। कैप्टन वाइस कैप्टन एक्यूरेट मिलने वाले हैं। दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखते हैं। पाथुन निशंका, पी निशंका, आविष्का फर्नांडो, के मेंडिस, कुशल मेंडिस, सदिरा समविक्रमा, चरित्र असलंका, जय लिवांगे है, वैनंदु असरंगा है, एम तीक्षणा है, डी मधुशनक्का, ए फर्नांडो और प्रमोद माधुशान। यहाँ पर देखिए आर गुरबाज है, इब्राहिम जदरान है, आर शाह है, एच शाहिदी है, ए उमरजाई है, मोहम्मद नाबी, ए अलखिल और जी नायब, कास अहमद, नूर अहमद, फाजल फारूकी। ये कॉम्बिनेशन होने वाला है दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। यहाँ पर विकेट वाले सेक्शन में एक ही प्लेयर लेना है, एक प्लेयर यहाँ पर देखिए एक बार आप यहाँ से या तो चाहे तो आप अलखिल को ले सकते हो, या फिर कुशल मेंडिस को, या फिर सदिरा समविक्रमा को। तो आपको थोड़ा टफ होने वाला है यहाँ पर। तो अगर आप 2 से ज़्यादा टीमें बनाते हो तो आप अपने हिसाब से एक बार इनको ट्राई कर सकते हो, एक बार इन कुशल मेंडिस को और एक बार सदिरा समविक्रमा को ट्राई कर सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों को भी साथ रख सकते हो, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो एक ही प्लेयर इनको भी ट्राई कर सकते हो आप। लेकिन मैं यहाँ पर सदिरा समविक्रमा को ट्राई करूँगा पहली टीम में, पहली टीम कॉम्बिनेशन में सदिरा समविक्रमा, और दूसरी टीम बनाते हैं तो उस टाइम दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए विकेट वाला सेक्शन समझ में आ गया आपको, बैटिंग वाले सेक्शन पर ध्यान दीजिए। बैटिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर पी निशंका या ट्राई कर सकते हो, या चाहे तो ए फर्नांडो, या फिर सॉरी सी असलंका को ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ट्रम्प कार्ड आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं ए फर्नांडो, यहाँ पर आप ए फर्नांडो को ट्राई करिए, ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं आज के मैच में। तो ये प्लेयर आपको समझ में आ गया, यहाँ पे पाथुन निशंका फिक्स प्लेयर मानकर चलिए पहली टीम में, पाथुन निशंका, यहाँ पर पाथुन निशंका, और एक आपके है सी असलंका। ये तीन प्लेयर्स श्रीलंका की तरफ से लेना है आपको। कुछ चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से टीम बना लेंगे अपन उस टाइम, बाकी यही टीम की कॉम्बिनेशन बनाना है इसी लाइनअप्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका हो गया, यहाँ पर एक ही प्लेयर लेना है आपको, या तो आप ले सकते हो आर शाह को, इब्राहिम जदरान को, आर गुरबाज को। तो मैं यहाँ पर देखिए आर शाह को ट्राई करूँगा, आर शाह, यहाँ पर ये चारों प्लेयर्स आ गए आपके यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन में, आप यहाँ पर देख सकते हो
वैनंदु असरंगा को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओमरजाई को ट्राई कर सकते हो, ओमरजाई को। और यहाँ से आप मोहम्मद नबी को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं रिस्क लेने वाला हूँ मोहम्मद नबी पर। यहाँ से मैं जी नैप को ट्राई करूँगा। ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं आज के मैच में, ये ट्रम्प कार्ड है, याद रखना, इन पर फोकस रखना है आपको। एक दो दो प्लेयर आपके समझ में आ गया ट्रम्प कार्ड। अभी तीसरा प्लेयर मैं आपको बॉलिंग वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ, और एक दूसरी टीम में भी बताऊँगा। तीन से चार प्लेयर्स आपको ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको ट्राई करना है यहाँ से पी मधुशान को। एक बार पी मधुशान को ट्राई कर सकते हो पहली टीम में। दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन अलग होने वाला है, दूसरी टीम में समझाऊंगा। यहाँ पर पहले टीम कॉम्बिनेशन समझिए, पी मधुशान है, और एम तिक्षणा को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एम तिक्षणा समझ में आ गया। यहाँ पर दो प्लेयर्स ले लिए हैं आपने, यहाँ पर खाली एक सेक्शन बचता है आपका। अब ये एक सेक्शन में यहाँ पर आपको लेना है यहाँ से फैज़ल फारूकी या फिर नूर अहमद। तो मैं यहाँ पर नूर अहमद को ट्राई करूँगा, और यही आपके ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है, नूर अहमद। यहाँ पर समझ में आ गया आपको, तीन बॉलर्स, तीन ऑलराउंडर और चार बैट्समैन, एक विकेट कीपर। तो यहाँ पर अभी एक कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता देता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन आज के टीम में, आज के मैच में आपको कौन बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर वीसी आप बना सकते हो उमरजाई को, वीसी, और कैप्टनसी दे सकते हो हसरंगा को। आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो वीसी यहाँ से दे सकते हो आप जी नैब को, वीसी, और यहाँ से एम तिक्षणा को कैप्टनसी दे सकते हो। ये चार प्लेयर्स आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार बनते हुए नज़र आ सकते हैं। एक उनमें शामिल कर सकते हो आप चाहो तो श्रेयस अय्यर को, वीसी बना सकते हो। तो ये पहली टीम का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ से सदिरा समविक्रमा को आपने पहली टीम में शामिल किया था, अभी दूसरी टीम में आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कुशल मेंडिस को। ये दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन है, कुशल मेंडिस। अभी आपको ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, क्योंकि मैं ये पूछने वाला हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पहले टीम का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया, कैप्टन वाइस कैप्टन सब समझ में आ गया, सभी समझा दिया है मैंने यहाँ से। यहाँ पर देखिए, अभी दो प्लेयर्स आपको चेंज करना है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, कुशल मेंडिस यहाँ पर विकेट वाले सेक्शन में लिया है, और यहाँ से आपको ये ए फर्नांडो को ड्रॉप करना है यहाँ से, ए फर्नांडो को। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो आर शाह को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ये भी ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है, दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन है, दूसरी टीम के पर्पस से ये टीम बनाना है, दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आर शाह को ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से आप ये वाला कॉम्बिनेशन आपको नीचे ले लेना है, ये वाला सेक्शन आपको नीचे लेना है। यहाँ पर बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको ट्राई करना है। यहाँ पर बॉलर्स चार लेना है, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में तीन, और बैटिंग वाले सेक्शन में तीन, यहाँ पर एक प्लेयर। तो यहाँ पर देखिए, बॉलिंग वाले सेक्शन में आपने यहाँ पर नूर अहमद को जैसे वैसे रखना है, तीन प्लेयर्स जैसे वैसे रखना है। यहाँ से आप एक ये वाला प्लेयर हटा सकते हो यहाँ से, यहाँ पर एक प्लेयर आपको चेंज करना है, वो रहेंगे आपके ए फर्नांडो। ट्रम्प कार्ड है ये भी, याद रखना, ट्रम्प कार्ड है ए फर्नांडो। यहाँ पर ए फर्नांडो, महेश तिक्षणा, नूर अहमद, और यहाँ पर आपके फैज़ल फारूकी। ये चार बॉलर्स, तीन ऑलराउंडर, तीन बैट्समैन, एक विकेट कीपर। तो आपको समझ में आ गया कैसे कॉम्बिनेशन बना है, इसी हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। कैप्टन वाइस कैप्टन देख लो, लास्ट दो टीमों का कॉम्बिनेशन है। आप अगर ज़्यादा टीमें बनाते हो तो आप रोटेट करके इसी कॉम्बिनेशन में एक एक प्लेयर रोटेट करो, या कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करो। तो यहाँ पर देखिए, वीसी आप यहाँ पर हसरंगा को देना है, और इनको ट्रम्प कार्ड जो है ए फर्नांडो, इनको आप कैप्टनसी दे सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से देखिए, महेश तिक्षणा को वीसी बना सकते हो यहाँ पर, और पार्थुम निशंका को कैप्टनसी दे सकते हो, या चरित्र असलंका को कैप्टनसी दे सकते हो। यही टीम में कॉम्बिनेशन होने वाला है दोस्तों, और इसी टीम से मैं भी शॉट ले लीजिए या जूम कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करें, पूरा वीडियो देखिए और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।